ने भी कहा है कि कलेक्टर साहब सिवान का लिख दिया है कि मेरे यहाँ कोई पिटीशन नहीं पड़ा। मैं ही क्वेश्चन 2017 में किया था इस सदन में कि 40% जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं छूट गए हैं, और 40% ऐसे लोगों का नाम दर्ज किया गया है जो गरीबी रेखा पे नहीं है। काफी बहस हुई थी, जांच कराया गया, लेकिन जांच का खाना पूरी की गई। सरकार के द्वारा एक नियमावली बनाया गया कि जो लोग वंचित हैं उनका आवेदन आरटीपीएस में लिया जाए। ये दो बोरा हमारे अनुमंडल महाराजगंज में आवेदन रखी हुई है, उनको कोई फुर्सत नहीं जांच कराने के लिए। मुझे कहना है कि दरखास्त देने के बाद भी 20% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग वंचित है, वही 20% ऐसे लोग को राशन मिल रहा है जो पेंशन लेते हैं, जो विदेश में नौकरी करते हैं, जिनके घर में 5-6 लोग सर्विस में है। मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि डीएम साहब का चिट्ठी भ्रामक है, गलत है। आप अपने स्तर से किस एजेंसी से जांच कराकर ऐसे व्यक्तियों को जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं, जो वंचित है, उन्हें राशन कार्ड दिलाने का विचार? आप माननीय सदस्य जी, आपके हिसाब से जिन परिवारों का राशन कार्ड बनना चाहिए नहीं बना है, जिन्होंने आवेदन दिया है जी, अब तो ये सब आरटीपीएस में आ गया है, उसके तहत जो दिया है और नहीं बना है उसकी सूची दीजिए माननीय मंत्री जी वरीय पदाधिकारी से। अध्यक्ष जी, मेरी बात को आप नहीं समझ दे दीजिए, मुझे करना है सर्वे करावे कि सर्वे जो हुआ था। सर्वे तो अनवरत प्रक्रिया है, वो चलते रहती है। नहीं, आप समस्या का निदान चाहते हैं या सिद्धांत पर बात चाहते हैं? सिद्धांत पर बात करता हूँ। नहीं, सिद्धांत पर बात की जा रहा है कि आवेदन का कोई माने भी नहीं है। सत्यदेव जी, प्रश्न के माध्यम से किसी सिद्धांत पर बहस नहीं हो, प्रश्न के माध्यम से समस्या का निदान। अध्यक्ष महोदय, जो श्री सुधीर कुमार कृषि विभाग। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं संचालन नहीं किया जाता, बल्कि कोई निवेशक, उद्यमी, कृषक या कोई कृषक समूह कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहते हैं तो उसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत Type 1 और Type 2 कोल्ड स्टोरेज निर्माण का कार्यक्रम है, जिसके लिए अनुमानित लागत क्रमशः 8,000 प्रति मीट्रिक टन एवं 10,000 प्रति मीट्रिक टन है। भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार कुल लागत मूल्य का 35% क्रेडिट लिंक्ड बैंक इंडेड अनुदान का प्रावधान अधिकतम 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के लिए है। इस प्रकार Type 1 कोल्ड स्टोरेज के लिए अधिकतम 1,40,00,000 रुपया एवं Type 2 कोल्ड स्टोरेज के लिए अधिकतम 1,75,00,000 रुपया राशि अनुदान दे है। अतएव संबंधित क्षेत्र में यदि कोई निवेशक, उद्यमी, कृषक समूह, कृषक उप क्षेत्र में फल एवं सब्जी भंडारण हेतु कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहते हैं तो राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनुज्ञप्ति की स्वीकृति एवं सहायता अनुदान प्रदान की जाए। कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहते हैं। धन्यवाद। 2237 हमारे जिला से जुड़ा हुआ है। महोदय, यदि माननीय मंत्री जी बताए हैं कि कोई भी व्यवसाय करने वाले जाकर कोल्ड स्टोरेज खोलने का काम कर सकते हैं, जिस इलाके में गरीब इलाका है, अति पिछड़ा इलाका है, वहाँ यदि कोई संभ्रांत व्यक्ति नहीं है, किसान नहीं है, तो क्या वहाँ के किसानों के सब्जी जो होता है उसके लिए कोई सरकार की तरफ से कोई उपाय है कि जो कोल्ड स्टोरेज सरकार जो है खुलवाने का काम करे या खोलने का काम करे? क्योंकि हमें मालूम है माननीय मंत्री जी, वहीं के आदमी का होना आवश्यक थोड़े नहीं, बाहर के उद्यमी भी उस चाहेंगे। उस रिमोट इलाके में, महोदय हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, उस रिमोट इलाके में यदि कोई नहीं जाना चाहते हैं, कोई जो है पूंजी निवेश नहीं करना चाहते हैं, तो उसे जगह पर जो है किसानों का क्या स्थिति होगा, सरकार इसके बारे में क्या सोचती है? क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी जवाब, एक मिनट, माननीय नगर, माननीय कृषि मंत्री जी गए हुए हैं, एक हमारे यहाँ केड़िया गांव है जहाँ की बर्मी कंपोस्ट से पूरे लगभग 1,000 की आबादी है, वहाँ आज भी एक जरा सा पांच सालों से एक जरा सा दूसरा खाद, बाजारू खाद का उपयोग नहीं किया जाता है, और वहाँ बॉम्बे से एक जो है कोल्ड स्टोरेज छोटा सा गया हुआ है।
लेकिन वहाँ इतना उत्पादन होता है जिसका कि किसान जो है बर्बाद हो जाता है किसानों का, उसका क्या उपाय होगा इसके बारे में बताएं माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य की चिंता जायज है और सरकार किसानों की चिंता करती है, इसलिए मैंने उत्तर में भी कहा है, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो बाहर का भी कोई निवेशक, जैसा अध्यक्ष महोदय बता रहे थे, कोई निवेशक कहीं का, बिहार भर का कोई भी व्यक्ति जाके वहां बना सकता है, कोई उद्यमी, कोई निवेशक, कोई कृषक या कहीं का भी कृषक समूह कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहते हैं तो बैंक लिंक्ड इंडेड के अनुदान पर सरकार जो है उनको, करीब दो तरह का बनता है कोल्ड स्टोरेज, टाइप वन और टाइप टू, दोनों के लिए अनुदान दे है सरकार देती है। टाइप वन के लिए 1,40,00,000 देगी, टाइप टू के लिए 1,75,00,000 देगी। आप जैसा उद्यमी या कोई भी व्यक्ति बाहर से जिस इलाके की आप चिंता कर रहे हैं वहां जाके वो सरकार के मदद से, वहां जो बैंक है जिले में या आसपास का कोई बैंक हो उसके मदद से बिल्कुल खोल सकता है। सरकार इसके लिए तत्पर है और खोलना चाहते, दो मिनट सुन लीजिए, आपके आपके चिंता पर मैं दो लाइन अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कहना चाहता हूं कि तेरे शहर का पेट मेरी गांव की मिट्टी से पलता है। सुन लीजिए, तेरे शहर का पेट मेरी गांव की मिट्टी से पलता है, गौरतलब रहे कि देश अपना गांव में बसता है। चलिए 22 क्या है मेवालाल जी? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है, इस तरह के फेडरेशन को बहुत सपोर्ट कर रही है सर। 30% सब्सिडी देती है, अगर 10 से 12 किसान हो कहीं पे भी खोल सकता है। श्री राजेंद्र कुमार पूछता हूँ, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। अध्यक्ष महोदय अस्वीकारात्मक है, वस्तु स्थिति यह है, पूर्वी चंपारण जिला के हरसिद्धि प्रखंड के सोनबरसा ग्रामीण जलापूर्ति में जल मीनार का निर्माण एवं पाइप बिछाने का कार्य प्राकलन के मानकों के अनुसार किया गया है, जलापूर्ति चालू है। इस योजना से 471 गृह जल संयोजन भी दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल से जल योजना की से प्राकलित राशि रुपया 61,67,300 रुपए हैं से इसे आच्छादित होने वाले वार्ड 5, 6, 8, 9, 10, 11 एवं 12 हैं। इससे उक्त वार्डों के शेष 947 घरों को जल संयोजन हेतु 8/5/2019 को इकरारनामा हो गया है, काम प्रारंभ हो गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि यह प्राकलन के अनुरूप हुआ है, मुझे निर्माण पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जहां तक पाइपलाइन बिछाना था जो सरकार के द्वारा जल नल योजना के तहत 12 और 11 वार्ड में कार्य कराने की बात हो रही है, पहले से चिन्हित किया गया कि जल मीनार से फलाने फलाने घर को जल आपूर्ति की जाएगी, परंतु वह न तो जल नल में शामिल हो पा रहे हैं और न ही आपके जल मीनार से उनको जल आपूर्ति हो पा रही है, वह वंचित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपका जो संवेदक है जो चिन्हित किया, किन कारणों से जो चिन्हित गांव थे वहां तक जल ये पाइपलाइन बिछा नहीं पाया, यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। दूसरा बात है, वह जल मीनार संचालन के लिए न ही कोई सरकारी कर्मी न ग्रामीण कमिटी का निर्माण अभी तक हो पाया, इसलिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि संचालन करना कैसे चाहते हैं उसको, और वहां जहां पाइपलाइन चिन्हित किया गया था वहां तक पाइपलाइन कैसे पहुंचेगा, किस तरीके से उन्हें जलापूर्ति दी जाएगी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे। जो रिपोर्ट है उसको उतना ही बनाना था, शेष गांव के लिए उन्होंने पूछा है, बगल के गांव तक जल नहीं पहुंच पाए, तो बगल के गांव के लिए एक नया टेंडर किया गया, उसका इकरारनामा भी हो गया, 61,67,300 रुपए का है वो, और उससे वो इकरारनामा का 8/5 का इकरारनामा भी हो गया, काम शुरू हुआ है। तो बगल के, उसको बगल के गांव में नहीं देना था, उसको ये देगा, और ये जो देगा इसको 5 बरस का मेंटेनेंस भी दिया गया है, इसीलिए सरकार अलग से इसके लिए व्यवस्था नहीं करेगी, यही जो कंट्रैक्टर है वही उसका मेंटेनेंस का काम भी 5 वर्षों तक करेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा नहीं, वहां मेरा कहना है
कि जिनको जिन घरों को चिन्हित किया गया था जल मीनार से पानी उपलब्ध करने कराने का, वह जल नल योजना से भी नहीं मिल पा रहा है और आपके जल मीनार से भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे, क्या उसको जांच करवा करके जो वंचित घर है उसे जलापूर्ति उपलब्ध करने का विचार रखते हैं। दूसरा, जो वह कमिटी अभी तक नहीं बनी है संचालन समिति, उसका निर्माण कराने का विचार रखते हैं। संचालन समिति को बनाना नहीं है क्योंकि उसी कंट्रैक्टर को मेंटेनेंस दिया गया है, और जिस घरों की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं उसी से शेष घरों के लिए ही तो नया टेंडर हुआ है 61,67,300 रुपए की, उससे बाकी घर जो बाकी रह गए हैं उसको हर घर नल दिया जाएगा और यही कंट्रैक्टर उस जल मीनार का 5 करोड़ तक मेंटेनेंस भी करेगा। इसलिए संचालन समिति की जरूरत है। नगर विकास आवास विभाग, अब आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हो चुका है क्या है कि मेंटेनेंस का काम संवेदकों को दिया गया है। मेरा कहना है कि संचालन यानी ऑपरेटिंग काम जो है वह सरकार के कर्मी और या ग्रामीण समिति करते हैं। इसमें संचालन भी निहित है महोदय, वहां संवेदक अभी तक उसका व्यवस्था नहीं कर पाए। बता रहे हैं इतनी बात तो मान्य 231 श्री नंद कुमार राय, नगर विकास आवास विभाग। अध्यक्ष महोदय, खंड एक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि मोतीपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 स्थित कचरा पीट से मनोज पासवान के घर होकर महना रोड तक की सड़क जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है वर्तमान समय में जर्जर स्थिति में है। उक्त सड़क निकाय के प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 21/12/2016 द्वारा मरम्मति एवं चौड़ीकरण हेतु प्रस्तावित है। राशि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये जो जो जवाब है वो नगर पंचायत का है, तो 2 किलोमीटर जो है सड़क नगर पंचायत के बस की बाहर है, निधि नहीं जो होगा न बनेगा। इसलिए मंत्री से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द उसको अपने निधि जो है राज्य को उससे बनाने का काम। श्री अवधेश कुमार सिंह लीजिए, आप दूसरे प्रश्नों पर अगर अधिक पूरक पूछते तो हम लोग यहाँ तक पहुँचते आपके प्रश्न तक। राजस्व भूमि सुधार विभाग, अध्यक्ष महोदय, समाहर्ता पटना ने पत्र संख्या 1175 दिनांक 20/7/2019 से प्रतिवेदित किया है कि करजान से ताजपुर पुल निर्माण परियोजना हेतु खाता संख्या 88, खेसरा संख्या 346, रकबा 0.28 एकड़ की मुआवजा राशि का भुगतान RTGS के माध्यम से अतमलगोला प्रखंड के ग्राम कल्याणपुर के निवासी श्रीमती निर्मला देवी एवं नवीन कुमार सिंह को किए जाने हेतु दिनांक 5/7/2019 को बैंक भेज दिया गया था तथा बैंक द्वारा श्रीमती निर्मला देवी एवं नवीन कुमार के बैंक खाता में राशि का स्थानांतरण कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री को बधाई देते हैं। बधाई देते हैं अध्यक्ष महोदय, मगर क्या इस तरह के भुगतान डेट आप देखें, डेट और प्रश्न कब किया गया है? मेरा कहना है कि राज्य में जो जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, सरकार करती है पुल में रोड में, वो भुगतान पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, न कि बिहार विधानसभा में क्वेश्चन देने के बाद उसका भुगतान हो। सरोज यादव, राजस्व भूमि सुधार विभाग आ गया। अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है। इस संबंध में कोई भी आधिकारिक सूचना पब्लिक अभिलेख संबंधित अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। भोजपुर जिला अंतर्गत गंगा के तटवर्ती इलाकों के गंगा के पानी में डूबे रहने के कारण
स्पेशल सर्वे डिविजनल सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे नहीं होने के कारण किसान रहितों के साथ भूमि की बंदोबस्ती नहीं की गई है। वर्तमान में असर्वेक्षित मौजाका जमीन सरकारी जमीन है, जिसका वर्तमान में लगान रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा। तीन, असर्वेक्षित टोपोलैंड की भूमि सरकारी भूमि है। टोपोलैंड भूमि के संदर्भ में नीतिगत निर्णय के लिए प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा गया है। विधि विभाग का मंतव्य परामर्श प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि रसीद नहीं काटा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे यहां 20,000 बीघा जमीन है, जो उपजाऊ जमीन है, किसानों का जमीन है। अध्यक्ष महोदय, उसका 16 तक रसीद काटा गया है। अध्यक्ष महोदय, 16 तक रजिस्ट्री की गई है। अध्यक्ष महोदय, ये मामला 1934 से 1958 के बीच जमींदारों से प्रथा, छोटे छोटे जमींदार की जमींदारी प्रथा थी, उस समय अध्यक्ष महोदय दिया गया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, ये 14/7/2018 को बक्सर जिला से लेकर के भागलपुर कहलगांव तक टोटल 12 जिला को टोपोलैंड घोषित कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे पास लेटर भी है। अध्यक्ष महोदय, प्रधान सचिव के अध्यक्षता में मीटिंग की गई। अध्यक्ष महोदय, जिसका दिन पत्रांक है 3113, दिनांक है 20/7/2017। अध्यक्ष महोदय, स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में जो उपजाऊ जमीन है अध्यक्ष महोदय, सीधियरी, वो सर्वे नहीं कराया गया। अध्यक्ष महोदय, तो उसमें किसान की कोई गलती नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 1960 से लेकर के 1971 तक जो सर्वे हुआ अध्यक्ष महोदय, उस जमीन का सर्वे नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक्चुअली बात ऐसा हुआ कि ये लोग जो भी वहां सर्वे करने गए पदाधिकारी, बैठ करके अध्यक्ष महोदय, उस जमीन को सरकारी किया गया था। अध्यक्ष महोदय, जो पानी और बालू सम्मिलित हो उस जमीन को, अध्यक्ष महोदय, बहुत ऐसी जमीन है जो कि लोग उस पर बसे हुए भी हैं। अध्यक्ष महोदय, बस्ती बसी हुई है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनकी उतना ही, पूछिए ना, आप तो बोले जा रहे, उतना ही जमीन है अध्यक्ष महोदय, जो कि अपने बेटी का शादी ब्याह करने के लिए उस जमीन का उपयोग करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इलाज के लिए भी उपयोग करते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 16 के बाद लदान लेना बंद कर दिया गया है, रजिस्ट्री कराना बंद कर दिया गया है। मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि या तो विधानसभा से कमेटी गठित करके उसकी जांच करा ली जाए, और जांच कराने के बाद अध्यक्ष महोदय, उस किसानों का जमीन मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, नवाज आलम। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी ने कई ऐसे इस तरह के टोपोलैंड के बारे में जो है जानकारी देने का काम किया, कि ये जो है विधि विभाग से हम परामर्श ले रहे हैं। हम माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि आपने कब कब विधि विभाग को जो आपने जो लेटर भेजा है, वो तो उस चीज की जानकारी नहीं चलो, इस भोला जी के प्रश्न हो चुका है। हाँ, तो उसकी जानकारी कम से कम जो स्पष्ट तरीके से सदन को बता दें। ठीक है, मंत्री जी कुछ बताएंगे या वही है। को जो बताया जा रहा है पदाधिकारियों के द्वारा, मुझे लगता है कि मिसलीड किया जा रहा है, क्योंकि टोपोलैंड का जो नेचर ऑफ लैंड, जो टोपोलैंड कहा जाता है, उसको कोर्ट ने स्पष्ट किया हुआ है कि साहब जो नदी के पेटी के जो है, और वो जो था कि साहब नाविक इस पर चला सकते हैं कि नहीं, उसके लिए था। और ये बाहर में जो कहा कि दो तरह के नदी को परिभाषित किया है, एक है अस्थायी नदी और एक है अस्थायी नदी। आप पहले भी कोर्ट की बात किए थे, हमने कहा था कि जब विधि विभाग का ही परामर्श आ रहा है, आप वो कोर्ट वाला कागज मंत्री जी को, विभाग को दे दीजिए, वो विधि विभाग उसकी समीक्षा करेगा। कोर्ट का आप दे दीजिए, विधि विभाग समीक्षा करेगा। वही तब कर पीछे भी गए थे, फिर वही बात कर रहे जी। इसलिए टोपोलैंड जो है आपके विधानसभा में बराबर सवाल बन के खड़ा रहता है, और टोपोलैंड का जो नेचर है, जो मेरे जिला का भी ये मामला है, जो 50 वर्षों से किसान के द्वारा उस जमीन पर कृषि की जा रही है और सरकार के द्वारा उससे राजस्व वसूल किया जा रहा है। हाल के वर्षों में सरकार के द्वारा राजस्व वसूली पर रोक लगा दी गई है। तो हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे, जो टोपोलैंड को किसान के हित में
मुक्त करने का कार्य करें और किसान को चिन्हित कर ले जो टोपो लैंड किसी जमींदार के अंदर ना हो, छोटे छोटे किसान के अंदर टोपो लैंड को मुक्त कराया जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों की जो भावना या जिन प्रश्नों को या जिस बात को माननीय सदस्यों ने उठाया है, विभाग निश्चित रूप से उन बातों पर भी कानूनी राय ले ले और उनका संज्ञान रखे। जब नीति बना रही है सरकार तो स्वाभाविक रूप से इन चीजों का भी उसमें संज्ञान लाना चाहिए। अबे वो बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। हजारों बीघा जमीन है सर जो टोपो लैंड है, हमारे यहाँ पटना जिला में और हम लोग के इलाके में, उन लोग का आज रसीद नहीं कटता सर। वो बात तो आ चुकी है, वही बात तो आई है, जो पहले रसीद कटती थी अब रसीद कटना बंद हो गया है, रजिस्ट्री होना बंद हो गया, ये सारी बातें कही जा चुकी है। और इसी पर सरकार ने कहा है कि यह इसमें भूमि के स्वामित्व का मामला है, विधि विभाग से परामर्श ली जा रही है, उसके बाद सरकार इस पर सम्यक नीति बनाए। चलिए 2234 श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, पूछती हूँ, नगर विकास आवास विभाग। अब बैठ जाइए। अरे तो क्या लेटर है, दे दीजिए माननीय मंत्री जी को। चलिए नगर विकास विभाग। खंड एक स्वीकारात्मक है, वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नगत योजना का विभागीय पत्रांक 63 दिनांक 27/9/2018 द्वारा 1,44,46,300 रुपया लागत व्यय पर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 72,23,150 रुपया की धनराशि नगर पंचायत बिलसंड को आवंटित किया गया है। योजना का क्रियान्वयन बुडको द्वारा किया जाना है जो प्रक्रियाधीन है, जल्द ही योजना को क्रियान्वयन कराया जाएगा। महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी के प्रयास से ही वित्तीय वर्ष 17-18 में ही पैसा चला गया है, लेकिन आज तक उसका निविदा नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि शीघ्र निविदा कराकर काम कराने का निर्देश देने की कृपा करेंगे। श्री समीर कुमार महासेठ 2235 नगर विकास आवास विभाग। अध्यक्ष महोदय, खंड एक स्वीकारात्मक है, वस्तु स्थिति यह है कि मधुबनी शहर के भच्छी स्थित 8 साइफन की से शहर का पानी बाहर निकलता है। अभी शहरी क्षेत्र में अवस्थित कैनालों की सफाई नगर परिषद द्वारा की जा रही है तथा मानव बल के द्वारा साइफन से मिट्टी निकाली जा रही है ताकि पानी का प्रवाह अवरुद्ध नहीं हो। खंड दो स्वीकारात्मक है, वस्तु स्थिति यह है कि नगर परिषद मधुबनी के द्वारा जिला पदाधिकारी मधुबनी से इस संदर्भ में अनुरोध किया गया है। साथ ही भारत संचार निगम से भी ड्रिलिंग मशीन उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था के तहत साइफन से मानव बल के द्वारा मिट्टी हटाने की कार्रवाई चल रही है। खंडती वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के नगर निकायों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु स्वच्छता अनुदान की राशि आवंटित की जाती है। उक्त आवंटित राशि से सफाई सहित सफाई उपकरणों का क्रय का भी प्रावधान है। तदनुसार नगर परिषद मधुबनी द्वारा आवश्यकता अनुसार ड्रिलिंग मशीन का क्रय पर भी विचार किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का बहुत स्पष्ट जवाब है, बहुत अच्छा है, लेकिन हरेक समय हरेक साल पैसा ये क्या देते हैं, लगातार ये देखा जाता है कि हम लोग बरसात में झेलते ही हैं। ये कब पैसा जाता है, कब सफाई करते हैं, और जब हमारी जनता झेल ही लेती है तो ऐसे पैसे की क्या उपयोगिता है,
कृपया उपयोगिता पे बतावें और तीन वर्षों में क्या खर्चा गया है वो बतावें। क्या आप कहे जवाब अच्छा है? जवाब अच्छा है तो फिर सवाल क्यों पैदा हो? किसी भी सवाल पैदा क्या महोदय? मंत्री जी ये सोच के बताइए कि माननीय सदस्य ने आपके जवाब की सराहना की है। सर इनके यहाँ तो आउटफॉल नाला के लिए 1 अरब रुपया दिए हुए हैं। हाँ, 1 अरब और ये ड्रिलिंग मशीन भी खरीदने की बात हो रही है। चूंकि वो संकट नाला है, बिना ड्रिलिंग मशीन से साफ नहीं किया जा सकता है, उसको भी खरीदने के लिए उनको कहा गया है। वो खरीदा जाएगा, सफाई हो जाएगा, आउटफॉल नाला बनेगा। इनकी तो पूरी समस्या दूर करने के लिए हम लोग ने काम कर दिया है। 2236 श्री नीरज कुमार, क्या है फैयाज जी आपका? माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि बोले हैं कि बहुत संकीर्ण नाला है, जबकि संकीर्ण नहीं है, सभी अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को कब खाली कराएंगे? अतिक्रमण भी हटवा के बनवाइएगा। जब वो नाला साफ ड्रिलिंग मशीन से होगा तो स्वाभाविक अतिक्रमण भी हटा दिया जाएगा। 2236 नीरज कुमार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सकारात्मक है। कटिहार जिला के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को मार्च 2017 को अनापूरित खाद्यान्न की राशि वापसी समायोजन हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कटिहार अनुमंडल पदाधिकारी बरसोई मनिहारी एवं कटिहार तथा जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम कटिहार का संयुक्त जांच प्रतिवेदन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम कटिहार के पत्रांक 1439 दिनांक 28/12/2017 से निगम मुख्यालय को प्राप्त है। कटिहार जिला में खाद्यान्न गबन के मामले प्रकाश में आने के कारण उक्त राशि की वापसी के पूर्व निगम मुख्यालय के पत्रांक 50/40 दिनांक 19/5/2018 एवं कई स्मार पत्रों द्वारा जिला पदाधिकारी कटिहार से संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा राशि जमा करने, इस आयो निर्गत होने एवं खाद्यान्न की आपूर्ति के बिंदु पर जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी कटिहार द्वारा की गई परीक्षा क्या पूर्व में भेजा गया रिपोर्ट सफिशियंट नहीं है? अगर है तो तदनुसार रिपोर्ट भेज मुख्यालय आवश्यक समझने पर राज्य स्तरीय टीम से जांच करवा सकते हैं। प्राप्त होने के पश्चात मुख्यालय पत्रांक 3079 दिनांक 13/3/2019 द्वारा इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी कटिहार को शामिल करते हुए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जांच दल गठित कर मंतव्य के साथ जांच प्रतिवेदन भेजने हेतु जिला पदाधिकारी कटिहार से अनुरोध किया गया एवं कई पत्रों द्वारा उन्हें स्मारित किया गया। पुनः जिला पदाधिकारी कटिहार द्वारा सुझाव दिया गया है कि विभागीय टीम एक्सपर्ट होते हैं, उन्हीं से जांच कराई जाए। जिला पदाधिकारी कटिहार के सुझाव के आलोक में मुख्यालय अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय पहले जवाब तो सुनाया जाए। जवाब से भी काम नहीं चलेगा? नहीं नहीं, तब और कितना बड़ा जवाब चाहिए? बड़े पदाधिकारी से जांच कराया जाए। महोदय, अध्यक्ष महोदय, महोदय जवाब सुन लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, चलिए नीरज जी, कोई पूरक है तो पूछिए। पूरक है, इससे जिला पदाधिकारी के जांच से काम नहीं चलेगा। महोदय, अध्यक्ष महोदय, पूरक क्या है? अंत में जवाब तो सुन लिया जाए। जवाब नहीं खत्म हुआ है, बैठिए। अभी प्रश्न पूछे हैं तो जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। धैर्य रखिए, पूरा जवाब। पुनः जिला पदाधिकारी कटिहार द्वारा सुझाव दिया गया कि विभागीय टीम क्या जो माननीय सदस्य हैं उनको प्रश्न करने का अधिकार है और निर्धारित है कि इतना बड़ा होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। उसी तरह मंत्री को भी स्वीकारात्मक अस्वीकारात्मक अंशतः स्वीकारात्मक में जवाब देना है। और यदि लंबा